जब मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस मांग को तो सुनना पड़ता है, और जो नहीं सुनते हैं तो वो खुद ही उखड़ जाते हैं। तो आने वाले दिनों में अगर हेमंत जी नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप में सरकार भी गिरेगी। मुख्यमंत्री की ये जो इच्छा है अपने लोगों से नहीं, खतियानियों से नहीं, बाहरियों से ज़्यादा प्रेम है। क्या आपके पार्टी में लोबिन हेमरम भी शामिल हैं क्या? इसलिए लोबिन जी आंदोलनकारी व्यक्ति हैं, उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। जो सोच सपना के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण किया गया आज वो कहीं दिखता नहीं है सर। अगर आप नहीं करेंगे, खतियान आधारित स्थान नीति नहीं बनाएंगे, नियोजन नीति नहीं बनाएंगे तो मैं पार्टी को छोड़ूंगा। नमस्कार, मैं हूँ सोनू कुमार पांडे और आप देख रहे हैं जीएन भारत। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक अमित महतो जी। धन्यवाद। साथ साथ तमाम हमारे खतियानी झारखंडियों को हम खतियानी जोहर कहते हैं। सर, मेरा सवाल यह है कि आप जेएमएम छोड़ें, जेएमएम छोड़ के अपना पार्टी बनाने का क्या उद्देश्य है? जी, हमने तो जेएमएम छोड़ा, काफ़ी भारी मन के साथ छोड़ा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, चूँकि हम लोगों ने बचपन से इसे देख कर प्रेरणा स्रोत हमारे गुरुजी रहे हैं, और पार्टी में हम शामिल हुए, पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बनकर काम किए, परंतु जो विचारधाराएं थी पुरानी जेएमएम में अब वो नहीं रही। जो सोच सपना के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण किया गया आज वो कहीं दिखता नहीं है सर। क्या है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संविधान में ये सारी बातें लिखी हुई है कि कैसे अगर सरकार बनेगी तो आने वाले दिनों में कैसे हम एक एक खतियानधारियों को नियोजित कराएंगे नौकरियों में। परंतु आज के समय में जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत जी, कार्यकारी क्या कहेंगे सर, आज वो पूरी कमान को वही संभाल रहे हैं, गुरुजी की तो तबीयत खराब रहती है जो कि अध्यक्ष हैं। परंतु हेमंत जी के द्वारा जो झारखंड का सबसे बड़ा सदन है, उस सदन में ये कह दिया जाना कि अगर खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनती है तो कोर्ट में मामला फंसेगा, तो ये सर दुर्भाग्य है और काफ़ी चिंता का विषय है, पीड़ादायक है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो कि उसी बुनियाद पर आज खड़ा हुआ है, आज पूरी सत्ता इसी मुद्दे के साथ सत्ता में वो आसीन हुए हैं, और आज उनके द्वारा इस तरीके से कहना काफ़ी तकलीफ देह है। और हमने भी अपना अल्टीमेटम दे रखा था कि भाई आप एक महीने में अगर हेमंत जी कर देते हैं तो मैं पार्टी में रहूँगा, अगर आप नहीं करेंगे, खतियान आधारित स्थान नीति नहीं बनाएंगे, नियोजन नीति नहीं बनाएंगे तो मैं पार्टी को छोड़ दूंगा। मैंने किया भी वैसा, परंतु एक उम्मीद बंधी थी, जैसा कि हेमंत जी ने कभी उसी सदन में कहा था कि 32 का बनेगा या 34 का बनेगा या 64 का बनेगा, आप लोग देखेंगे, और मैं अभी अध्ययन कर रहा हूँ। अब इन्होंने कौन सा अध्ययन, कैसा अध्ययन कर लिया कि अचानक अभी जो पिछली बार जो विधानसभा का सत्र था, हमें लगता है कि 23 तारीख या 25 तारीख को, इन्होंने बयान दे डाला कि खतियान आधार पर नियोजन नीति अगर बनता है तो कोर्ट में मामला फंसेगा। काफ़ी तकलीफ थी सर, काफ़ी तकलीफ हुई, अभी भी है। प्रदेश के मुखिया इस तरीके की बात करें जो कि माटी पुत्र कहे जाते हैं, खतियानी व्यक्ति हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा गुरुजी के बेटे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी कही जाती है, तो काफ़ी तकलीफ दे था। इसलिए सर हमने पार्टी को छोड़ा और पार्टी एक नई पार्टी बनी है, जो मेरी नहीं, हमारी पार्टी है, हम सबों की पार्टी है, जो खतियानधारियों की पार्टी है। तमाम खतियानी लोग ने इसका सृजन किया है, और ये पार्टी का उद्देश्य सर सिर्फ और सिर्फ कैसे हमारे खतियानियों को नाम मिले, पहचान मिले, उनके हाथों को रोज़गार मिले। जो बच्चे इन 21 सालों में पिछड़ गए, कम से कम उनके बच्चे को रोज़गार मिले, तवज्जो मिले, तरजीह मिले, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड ही नहीं, हम तो कहेंगे सेकंड क्लास की भी नौकरियां में। आपको पता होगा सर कि पहले जो क्षेत्रीय भाषा के एग्ज़ाम लिए जाते थे जेपीएससी में, उसमें 400 नंबर का होता था प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक, उसे यही हेमंत जी घटा दिए थे।
100 नंबर कर दिए थे रघुवर जी की सरकार में, फिर इसे 150 किया गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आज एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, और हमारे झारखंडियों को जो न्याय मिलना चाहिए, जो खतियानधारियों के साथ इंसाफ होना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं हेमंत जी। तो इसकी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सेकंड क्लास में भी हमारे बच्चे को DSP बनना है, BDO बनना है, CO बनना है, ये हमारी चाहत है और यही खतियानधारियों की चाहत है। आज हेमंत जी कह देते हैं कि हम 75% निजी कंपनियों में भी हम लोगों को रोज़गार देंगे, तो भाई आपने तो स्थानीय नीति का निर्धारण नहीं किया, आपने तो बताया नहीं कि आपका स्थानीय व्यक्ति कौन होगा, और आपने बताए बगैर कैसे कह दिया कि झारखंडी लोगों को हम समाहित करेंगे नौकरियों में 75%। तो इनकी मंशा स्पष्ट नहीं है, और जिस तरीके से बयानबाजी इन्होंने सदन में दे दिया तो हम तो अब सब यही समझेंगे कि ये खतियान विरोधी हैं। और अभी जिस तरीके से जहाँ जहाँ भी रिक्तियाँ हैं उन रिक्तियों को ये लोग कंप्लीट करने का काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से। आपको बताएं सर कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल खेल रहे हैं। बाहर के लोगों को यहाँ कैसे बिठाएं उसकी एक प्रयास जारी है। हमारे झारखंडियों के पास 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपये नहीं रहते हैं सर। किसी तरीके से अपना पेट काट कर हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को परवरिश करते हैं, शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, बेहतर तालीम मिले उसका एक प्रयास करते हैं। लेकिन आज आप देख लेंगे जगह जगह पर जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, हम शिक्षा विभाग की बात कर लें या फिर अन्य विभाग की बात कर लें जो अभी जारी है, हर एक जगहों पर पैसे का खेल खेला जा रहा है। 1,00,000 रुपया 2,00,000 रुपया चाहिए तब नौकरी मिलती है। और दूसरी बात, अभी रिम्स में आप देखे होंगे कि रिम्स में क्लिनिकल ट्यूटर जो बहाल कराए गए हैं 13 ट्यूटर, उसमें से किस तरीके से बाहर के लोगों को यहाँ पर लाने का प्रयास किया गया है। कम अंक के जो बच्चे हैं उनको नियोजित करा दिया गया है, नौकरी दे दी गई है, और जो अधिक अंक लाए हैं उसे हटा दिया गया है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पैसे का खेल खेला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं सर, इसलिए आज हम लोगों को ये महसूस हुआ कि पार्टी बननी चाहिए, और तमाम खतियानियों के निर्णय पर ये पार्टी बनी है, खतियानी झारखंडी पार्टी। क्या समझ सकते होंगे, क्या आपके पार्टी में लोबिन हेमरम भी शामिल हैं क्या? सर आप भी जानते हैं कोई पार्टी से बगैर इस्तीफा दिए किसी दूसरी पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता। आखिर नाराज तो वो हैं, सीता सुरेन हो गई या फिर लोबिन हेमरम हो गए, सब लोग नाराज हैं पार्टी से। हैं वो, हमारे विचार से सहमत हो सकते हैं, मैं उसके विचार से सहमत हो सकता हूँ। आगे लग रहा है कि आने वाले हैं वो लोग इस पार्टी में। आप बगैर किसी पार्टी की इस्तीफा दिए दूसरी पार्टी में सदस्यता नहीं ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए लोबिन जी आंदोलनकारी व्यक्ति हैं, उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। जो भी आंदोलनकारी हैं, लोबिन जी के अलावा झारखंड में जितने भी आंदोलनकारी हैं, एक एक बच्चा क्यों नहीं हो, एक एक माएँ क्यों नहीं हो, हमारी बहनें क्यों नहीं हो, जो भी आज इस आंदोलन में कूद पड़ा है कि खतियानधारियों के साथ न्याय हो, खतियानियों को नाम मिले, पहचान मिले, खतियानियों के साथ जस्टिस हो, खतियानियों के बच्चों को नौकरी मिले, तो हम उसके साथ हैं, पूरी पार्टी उसके साथ है हर वक्त और हमेशा। क्या तो 1932 का खतियान एक तरह से मुख्यमंत्री बोल दिए कि नहीं लागू करेंगे, एक तरह से बोल दिए वो, तो क्या आप 2024 तक वेट करेंगे या फिर अभी कुछ आपका प्लान है? सर देखिए, जब मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस मांग को तो सुनना पड़ता है, और जो नहीं सुनते हैं तो वो खुद ही उखड़ जाते हैं। तो आने वाले दिनों में अगर हेमंत जी नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो निश्चित रूप में सरकार भी गिरेगी, और हमारा तो यही प्रयास है कि भाई हमारी जो मांग है कहीं से भी किसी भी तरीके से नाजायज़ नहीं है, जायज़ मांग है, और जायज़ मांग के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा सर अधिकार है। अधिकार की बात हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि देखिए, हर एक व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, और आवश्यकता और इच्छा जो है ना वो अधिकार से ही पूर्ति होती है। और हमारा जब ये राइट है, हमारा ये अधिकार है, और हमारे अधिकारों का कोई हनन करे तो ये बर्दाश्त योग्य नहीं है, चाहे वो साधारण व्यक्ति रहे
या फिर राज्य का बैठा हुआ मुखिया मुख्यमंत्री रहे। तो आज हम लोग पूरी तरीके से विरोध हैं, विरोध में खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। गुरुजी खुद एक आंदोलनकारी थे, अभी भी हैं, तो आप लोग उस समय 1932 के खतियान को लेकर बोकारो से लोग आए थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी उनसे मिले नहीं। मुख्यमंत्री की ये जो इच्छा है अपने लोगों से नहीं, खतियानियों से नहीं, बाहरियों से ज़्यादा प्रेम है, तो इसीलिए वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं किन से मिलना है किन से नहीं मिलना है। तो ये तो स्थिति है और आप उनकी बातों को देखकर ही आप समझ सकते होंगे कि वो किन से मिलना चाहते हैं किन से उनका नहीं मिलना है। जिस तरीके से सदन में इन्होंने अपना बयान दे दिया तो फिर आप खुद ही समझ लीजिए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ अमित महतो जी थे और इनसे हमने हर एक मुद्दों पे बात की, चाहे वो 1932 खतियान हो, चाहे वो लोबिन हेमरम की नाराज़गी हो, सीता सुरंग की नाराज़गी हो, सारे मुद्दों पे हमने इनसे बात की। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।